अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। काफ़ी दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं अपलोड की, सोचा आज वीडियो कोई अपलोड कर ली जाए। आज हम बना रहे हैं प्याज और करेले। बहुत इजी रेसिपी है, सबके घर में बनती है, कोई खास इसमें रॉकेट साइंस नहीं। सबसे पहले आपने प्याज ले लेना, उसको अच्छे से कटिंग कर लीजिएगा बारीक। टमाटर ले ले, मेरे पास फ्रीज से तो मैं फ्रीज ले रही हूँ। 3-4 टमाटर मैंने लिए। सारा लहसुन अदरक जो है उसको काटना है, लेकिन मोटा मोटा काटना, क्योंकि बाद में फिर हम इसको जो है वो पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, इतना पीसना है कि इसके जो है वो अच्छे से खुशबू आए। ग्राइंड नहीं करना, हमें कूटना। सब बस मिर्चे भी साथ ही कूटेंगे और थोड़ा सा अलहदा अदरक जो है वो हम बारीक काट लेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेंगी। काफ़ी दिन हो गए अपलोड नहीं किया, सोचा अपलोड करूँ, क्योंकि आपको जैसे कि मैंने बताया था मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, तो बस इस वजह से समझ नहीं आया क्या किया जाए, तो अब सोचा कि वीडियोस अपलोड कर लेनी चाहिए। ऑयल गर्म करके साथ ही आप जो है बीच में प्याज डालें, और जो है वो इसको गोल्डन नहीं करना हमने, बस सॉफ्ट करना। और सबसे बड़ी बात जो सबके साथ होता है सर्दियों में खासकर, गैस जो है वो काफ़ी कम आ रही थी, तो इसको फ्राई होने में काफ़ी टाइम लग रहा था। लेकिन खैर, जैसे जैसे फ्राई हो रही थी वैसे वैसे मैं अपने घर के काम भी कर रही थी। बर्तन भी धोए, साथ और काम किए, बच्चों को देखा, साथ साथ ये फ्राई हो रहा था, साथ साथ हम अपने काम कर रहे थे। आई होप आपको ऐसे ही रेसिपीज अच्छी लग रही होंगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, अपने गाँव में ज़रूर याद रखना। और याद रहे मेरे चैनल का नाम फूड लैंग्वेज है, और आप देख सकते हैं कि प्याज काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया है। सब अपने तरीके से पकाते हैं प्याज और करेले, मैं अपने तरीके से पका रही हूँ। आप प्लीज़ ट्राई करना, मुझे बताना आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, ये भी आप मुझसे शेयर करना। मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में शेयर कीजिएगा कि आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए। मैं इंशाल्लाह बहुत सारी और रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। बस दुआ कीजिएगा कि मेरी वालदा को अल्लाह जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फरमाए, और मुझे मेरे मेहमानों को जो है वो सब्र जमील अता फरमाए। और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे हस्बैंड को, और मुझसे मुंसलिक तमाम लोगों के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। प्याज हमने निकाल लिया है और साथ ही जो है हम बीच में करेले डालेंगे। करेले को हमने फ्रीज किया हुआ था काट के, क्योंकि मैं रूटीन में जो है वो शॉपिंग करने नहीं जाती, तो वीकली जो है वो शॉपिंग होती है, तो इसलिए फिर मैंने जो है वो करेले ले के उसके छिलके उतार के और बीज निकाल के उसको काट के बारीक काट के रख लिया था। अब निकाला और उसको नमक डाल के जो है वो मैंने थोड़ी देर के लिए रखा, और जैसे ही वो थोड़ा सा डिफ्रोस्ट हुआ तो फिर मैंने उसको जो है वो धो के अच्छे से निचोड़ लिया ताकि बीच में पानी ना रहे। इसको भी हम ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे, बस इतना करेंगे कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए, और जैसे कलर चेंज होगा तो हम इसको जो है वो निकाल लेंगे। साथ साथ आपके साथ और भी रेसिपी शेयर करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश कर रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगी, आप देख सकते हैं और देखेंगे। और जैसे जैसे आप चाहते हैं कि मैं और बेहतरी करूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे शेयर ज़रूर करना, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, अपने दुआओं में भी याद रखना, और बार बार जो है मेरी वीडियोज़ को देखना और लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना, ताकि मैं दोबारा और न्यू से न्यू वीडियोस लेकर आऊँ आपके लिए। और मुझे भी काम करने में मज़ा आए और आपको भी देखने में मज़ा आए। तो ये देख सकते हैं कि जो हमने करेले हैं वो निकाल लिए, लहसुन अदरक और साथ जो है सब्ज़ मिर्चें हमने मोटा क्रश किया था, बिल्कुल बारीक नहीं। तो इसको जो हम बीच में ऑयल में डाल के गोल्डन करेंगे। साथ हमने जो है साबुत धनिया, ज़ीरा, साथ छोटी इलायची और जो है बादियन का फूल वो डालना है, और साथ ही टमाटर डाल के, नमक मिर्च हल्दी, साथ पिसा जीरा और लाल मिर्च क्रश्ड, और जो है जिसको दादर मिर्च बोलते हैं, चिली फ्लेक्स जो क्रश्ड होती है वो डालनी है। इसको हम बस हम भूनेंगे, जैसे थोड़ा ऑयल बाहर आएगा, साथ हम जो है बीच में प्याज और करेले दोनों डाल देंगे। आप देख सकते हैं डिश बिल्कुल रेडी है। अपने गाँव में याद रखना। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।